क्रिकेट के पिच मुकाबला हो भारत और पाकिस्तान का और मंच हो T20 वर्ल्ड कप, भला पूरी दुनिया का कौन सा ऐसा क्रिकेट फैन होगा जो ये मैच नहीं देखना चाहता होगा। हैरानी नहीं कि सभी ये चाहते हैं कि इसी T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीम एक बार फिर आमने सामने आए, लेकिन जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि वाकई में पाकिस्तान के लिए ये राह खत्म नहीं हुई है, अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और टीम इंडिया दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और मुमकिन है कि ऐसा हो भी जाए। सामनेक्रम गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 33 रन से हराकर वर्ल्ड कप की एक मजबूत दावेदार टीम को, जो कि अनडिफीटेड थी, अनबीटेबल थी, उसे हराकर क्रिकेट हलकों को एक बार फिर हैरान कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का जो सफर है वो अभी तक अपने अहतमाम को नहीं पहुंचा, और यही वो बातें हैं जो पाकिस्तान के ओपोनेंट्स को काफी खटकती दिखाई दे रही हैं, और वो ये कहने पर मजबूर हैं कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया तो जिस तरह उन्होंने जख्मी शेर की तरह कमबैक किया है वो किसी भी तौर पर हारने वाले नहीं है। भारत का मीडिया तो गुज़श्ता मैच की जीत के बाद अब बकायदा ये कहना शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर फाइनल खेलते नजर आ रहे हैं, और उसमें बड़ी बड़े क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पंडित हैं, वो इस बात की पेशनगोई करते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह का गुज़श्ता रोज खेल पेश किया है वो सामने नजर आ रहा है कि किस्मत ने पाकिस्तान की तरफ पलटा खाया है, और अगर साउथ अफ्रीका अपना मैच हार जाता है तो फिर पाकिस्तान बड़ी आसानी से सेमीफाइनल में पहुंचकर सेमीफाइनल जीतेगा भी, और फिर भारत दूसरी तरफ से जीत कर एक दूसरे के मध्य मुकाबले नजर आएंगे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला गर्दाना जा रहा है। बहरहाल आगे क्या होता है ये तो बात की बातें हैं, लेकिन भारतीय इस बारे में क्या कहते दिखाई दे रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान की अब खुलकर तारीफ हो रही है वो आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। आखिर किस तरह से भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें ग्रुप 2 से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं, आखिर इसके लिए कैसे कैसे मैचों के नतीजों को यहां पर फैंस को देखना होगा, क्या है पूरा समीकरण, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टीम इंडिया इस वक्त सबसे ऊपर है 6 अंक के साथ, लेकिन पाकिस्तान यहां पर अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। पॉइंट टेबल में आप टीम इंडिया को देख रहे हैं, उसका रन रेट है +0.730, अंक है उसके 6। टीम इंडिया का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ होना है, और पाकिस्तान ये दुआ कर रहा है कि जिम्बाब्वे की टीम टीम इंडिया को हरा दे, जैसे कि पाकिस्तान को हराया था। अगर इंडिया की टीम जिम्बाब्वे से हारती है तो जिम्बाब्वे के खाते में तो अंक जुड़ जाएंगे, लेकिन टीम इंडिया का रन रेट भी गिरेगा और अंक भी 6 रहेंगे। पहला समीकरण। साउथ अफ्रीका अगर नीदरलैंड से हार जाता है या जीत जाता है तो भी पाकिस्तान को यहां पर फायदा हो सकता है। साउथ अफ्रीका अगर जीता तो 7 अंक हो जाएंगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया अगर हारता है तो साउथ अफ्रीका ऊपर आ जाएगा और टीम इंडिया नंबर 2 पर आ जाएगी। और अगर साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने हरा दिया तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी। अब पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता कैसे खुल गया है। पाकिस्तान चाहेगा कि साउथ अफ्रीका और भारत दोनों ही अपने मुकाबले गवा लें, जिससे कि टीम इंडिया के 6 अंक रहेंगे, साउथ अफ्रीका के 5 अंक रहेंगे, और भारतीय टीम जो है वो टॉप पर तो बनी रहेगी लेकिन पाकिस्तान के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला होना है, और इसमें अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, हालांकि बांग्लादेश को हराना काफी मुश्किल होगा, तो पाकिस्तान जीत के साथ 6 अंक हासिल कर लेगा टोटल, और ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम तो बाहर हो जाएगी और टीम इंडिया और पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अब टीम इंडिया के लिए टेंशन क्या है, जिम्बाब्वे जो उलटफेर कर चुकी है, और जिम्बाब्वे अगर टीम इंडिया को हराती है और यहां पर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स को मात देती है तो साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे 7 अंक, टीम इंडिया 6 अंक पर रहेगी, और अगर पाकिस्तान की टीम जीत जाती है तो उसके भी जाएंगे 6 अंक, और रन रेट के आधार पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करेगी। यानी कि टीम इंडिया को हर हाल में मैच जीतना होगा। अगर टीम इंडिया किसी के भरोसे है तो यह भरोसा टूट सकता है। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम को आसानी से हरा देगी, तो हम ये मान के चल सकते हैं समीकरण में कि साउथ अफ्रीका के 7 अंक हो जाएंगे।
पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हराती है तो पाकिस्तान के 6 अंक हो जाएंगे। रन रेट टीम इंडिया से इस वक्त बहुत बेहतर है। पाकिस्तान का रन रेट प्लस 1.117 है, टीम इंडिया का रन रेट जो है प्लस 0.730। तो ऐसे में अगर टीम इंडिया हारती है तो रन रेट पे फर्क पड़ेगा। साउथ अफ्रीका जीतती है 7 पॉइंट डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, पाकिस्तान जीतती है 6 अंक टीम इंडिया को टक्कर देगी रन रेट के हिसाब से। टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 12 राउंड में पिछले मैच में नसीब हुई हार के बाद वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में साउथ अफ्रीका अब पहली पोजीशन पर आ गई है। ऐसे में क्या टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमें अब भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद पूरी दुनिया में मौजूद दोनों टीमों के करोड़ों फैंस यकीनन जानना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब सुनकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन उलट फेरों से भरे T20 वर्ल्ड कप 2022 में ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए दोनों टीमों को सिर्फ अपनी तरफ से 100% प्रदर्शन करना होगा। वहीं टॉप पर काबिज साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ कमजोर टीमों के भी अच्छे प्रदर्शन की थोड़ी उम्मीद करनी होगी। तो पहले समझते हैं कि टीम इंडिया का वो समीकरण क्या है जहां रोहित शर्मा एंड कंपनी अपने ही बलबूते T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में किसी भी मुकाबले को अब हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि भारत को अब सुपर 12 राउंड के ग्रुप 2 में अपने बचे हुए 2 मैच हर हालत में जीतने होंगे। इसमें 2 नवंबर को टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा, वहीं 6 नवंबर को टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना मैच खेलना है। ग्रुप 2 के पॉइंट टेबल को देखा जाए तो भारत 3 मैचों में 4 पॉइंट्स को लेकर दूसरे नंबर पर है और उसका नेट रन रेट भी पॉजिटिव 0.844 का है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 3 मैचों में 2 जीत के साथ 5 पॉइंट्स हासिल कर टॉप पर है और उसका नेट रन रेट पॉजिटिव 2.772 का है। यहां सुपर 12 के ग्रुप 2 की बड़ी तस्वीर यह है कि ग्रुप के पॉइंट टेबल में टॉप पर रहने के लिए भारत के लिए यह जरूरी होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम अपने अगले मुकाबलों में किसी उलटफेर का शिकार हो जाए। ऐसा होने पर साउथ अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा 7 पॉइंट्स ही होंगे। ये उलटफेर पाकिस्तान और नीदरलैंड्स में से किसी भी टीम के खिलाफ हो सकता है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका को 3 नवंबर को सिडनी में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलना है, जबकि 6 नवंबर को उसका सामना नीदरलैंड्स के खिलाफ एडिलेड में होगा। वैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश की जीत के बाद सुपर 12 राउंड में रोमांच और बढ़ चुका है। बात करें बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम की, तो पाकिस्तान की टीम भी अपने खेले 3 में से 2 मैच पहले ही गंवा चुकी है, लेकिन उसके पास अब भी सेमीफाइनल की चाबी मौजूद है।